हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? मेरा नाम है कृतिका पारेख और स्वागत करती हूँ आप सभी का अन अकेडमी यूजीसी नेट चैनल पे। जल्दी से आप मुझे बताएं, आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? नमस्ते विक्रम जी, नमस्ते परवीन जी, राकेश जी, माया जी, प्रेक्षा जी, जूही जी, सभी को नमस्ते। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप मुझे बताएं कि आपको अगर मेरी आवाज बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रही है, जल्दी से आप मुझे बता दें। ओके, तो जल्दी से सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाएं। आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है दोस्तों। आज मैं आपको हमारा जो कोस्टल प्लेन है वो पूरा मैं आज आपको कवर करवा दूंगी कि क्या है इसमें, क्या क्या हमें देखने को मिलता है, क्या क्या पढ़ने को मिलता है, सब कुछ आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून गाइज, गुड आफ्टरनून, जल्दी से क्लास में लाइव आ जाए। गुड आफ्टरनून मोनिका जी, देखिए मैं किसी को पहचान नहीं सकती हूँ यहाँ से, इसलिए मेरा ये लगाना जरूरी है, और कुछ बात नहीं। सो गाइस, शुरुआत करते हैं। जो भी अनअकैडमी पर पहली बार मेरी प्रोफाइल पर आए हैं या पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं दोस्तों, तो कृतिका पारिक मेरा नाम है। अनअकैडमी पर आपको इसी नाम से मेरी प्रोफाइल भी मिल जाएगी और मैं आप लोगों के लिए मई 2020 से मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। और अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं नेट की तैयारी के लिए, तो UGC10 कोड है दोस्तों मेरा, इसको अप्लाई करके और आप आपकी क्लास से इसको अनलॉक भी करवा सकते हैं। अनलॉक का मतलब ये है फ्री क्लास देखने के लिए भी अगर आप UGC10 कोड अप्लाई करते हैं तो भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो जो भी चाहे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून दोस्तों, अच्छा जी सब लोग एक साथ आए हैं, ओके। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अनअकैडमी पर अगर आप जाते हैं, करना क्या है, सबसे पहले तो अपने फोन के प्ले स्टोर में जाइएगा, ठीक है। प्ले स्टोर में जाने के बाद में वहां पर आपको सर्च करना है अनअकैडमी, ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लिया, उसमें आपने आपकी कैटेगरी चूज कर ली, आपकी कैटेगरी रहने वाली है NTA UGC NET। उसमें जाने के बाद में सर्च का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप मेरा नाम कृतिका पारिक से सर्च करेंगे तो कुछ मेरी ऐसी प्रोफाइल आपको वहां नजर आएगी, जहां से आप सीधा मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी क्लासेस के सारे नोटिफिकेशन लेने के लिए। और आज रात को 9 बजे आप लोगों के लिए MCQ सीरीज मैं लाने वाली हूँ। और दोस्तों जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ले लीजिए, क्योंकि आप लोगों के जो बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, काफी टाइम हो चुका है नए बैच को स्टार्ट करें। तो जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है ले लो, क्योंकि आपकी जो प्राइस है वो हाइक होने वाली है। एक वीक तक वो बढ़ चुकी है क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो उस डिमांड के चलते एक वीक तक वो एक्सटेंड हो चुकी है। तो आपकी अब प्राइस 4th of January तक एज इट रहने वाली है। तो देर जल्दी कीजिए पुरानी, क्योंकि जो प्राइस बढ़ेगी दोस्तों वो लगभग लगभग 25% एक्स्ट्रा होगी, यानी कि 10,000 जो आप अभी फीस दे रहे हैं वो 15,000 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। प्लस पे जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि 24-12 महीने का प्लान आपको सेलेक्ट करना है। इसकी फीस अभी 11,000 है और यहाँ पे आपको कोड लगा देना है UGC10। जैसे ही इस कोड को आप अप्लाई करेंगे, जो कोड आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट हो रहा है UGC10, उससे आपको क्या मिल जाएगा, 10% का इंस्टेंट ऑफ यहाँ पे आपको मिलता है, ओके। चलिए, जो भी नए स्टूडेंट आए हैं उन सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। सभी लोग जल्दी से, बस ये है कि अब नए हो तो फिर पूरे टाइम क्लास में रहिएगा ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे कितना नॉलेजफुल काम होता है आप लोगों के लिए। तो देरी करनी नहीं है, जल्दी से सब्सक्रिप्शन हमें ले लेना है, क्योंकि नए बैच, मेरे भी नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए नए बैच लेकर आने वाली हूँ 4 तारीख से, 4 दिसंबर से नया बैच हमारा आ जाएगा। ज्योग्राफी का भी बैच आ रहा है और पेपर वन का भी आ रहा है। पेपर वन में एनवायरमेंट लेकर आ रही हूँ, ज्योग्राफी में पॉलिटिकल ज्योग्राफी ला रही हूँ। तो जिसको भी पढ़ना हो 4 तारीख से पहले अपना सब्सक्रिप्शन कंप्लीट करा लें आप लोग। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की। सभी लोग अपने हाथ में कॉपी और पेन बिल्कुल ले लें। मैं बात करती हूँ दोस्तों हमारी इंडियन ज्योग्राफी की, एक बार हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले। हम बोल रहे थे इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, ठीक है।
इंडियन ज्योग्राफी का जो सबसे पहला पॉइंट हमें दिखाता वो दिखाता हमें फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये दिखाता। अब जहां तक फिजिकल डिविजन की बात है तो हमने हमारे लेवल पे तो अच्छे से इनके बारे में पढ़ लिया है, और इंडिया के अगर फिजिकल डिविजन को डिफाइन करने लगे तो टोटली हमने जो अब तक पढ़ लिए हैं दोस्तों, सबसे पहला तो हमने देखा था हिमालय यानी कि माउंटेन रीजन, सेकेंड नंबर पर हमारे आते हैं नॉर्थन प्लेन, फिर आते हैं आपके पेनिनसुलर, पेनिनसुलर इंडिया, जिसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी, प्लेट्स भी पढ़ी थी और माउंटेन भी पढ़े थे, फिर हमने पढ़ लिए थे दोस्तों हमारे आइलैंड्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके कोस्ट और कोस्टल प्लेन, क्योंकि हमने पेनिनसुलर इंडिया के अंदर जब माउंटेन पढ़ रहे थे तो हमने ऑलरेडी माउंटेन्स के अंदर हमने कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल रीजन के माउंटेन्स को डिस्कस हम कर चुके हैं, तो आज की क्लास में हम सिर्फ कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर तटीय मैदान है क्या, तटीय मैदानों के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। चलिए प्लस पे ज्योग्राफी की 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। सो कॉपी पेन सब लोग निकाल लें अपना। अब क्लासिफिकेशन की जहां तक बात आती है तो एक बार मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे हमने क्लासिफिकेशन किया था। हमने हिमालय माउंटेन को बहुत ही क्लियरली पढ़ लिया है, जो नए आए हैं वो प्रीवियस लेक्चर जाके देखेंगे, उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हिमालय माउंटेन हो गया, प्लेन्स हमने पढ़ लिए हैं, पेनिनसुलर इंडिया पढ़ लिया है, आइलैंड्स पढ़ लिए हैं, कोस्टल प्लेन्स की बात आती है। तो कोस्टल प्लेन्स से आप क्या समझते हैं, मतलब कि क्या माना जाता है कि कोस्टल प्लेन्स आप किसको बोलेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मानिए कि मैंने एक मैप बनाया, ये मान के चलिए कि ये इंडिया का मैप है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलिए जैसा भी है इंडिया का मैप है। तो ये देखिए यहाँ का जो रीजन था उसको हमने बोल दिया कि ये है हमारा हिमालय, बताया नहीं बताया ये पूरा रीजन, ये जो रीजन था इसको हमने नाम दे दिया हमारे प्लेन, ओके। यहाँ का जो रीजन था कुछ इस तरीके का, यहाँ तक का जिसका फैलाव हो चुका था, थोड़ा सा ये ऊपर के भाग तक फैला हुआ था, इसको हमने नाम दे दिया प्लेटू, ओके। अब बचता है हमारा ये वाला एरिया, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, कोस्टल प्लेन, मतलब कि तटीय मैदान। अच्छा सही बनाया क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सही बन गया, चलिए आपकी हरी झंडी मिलना जरूरी होता है। तटीय मैदान के बारे में हम पढ़ेंगे, तो तटीय मैदान की जो एकदम बेसिक डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बे ऑफ बंगाल एंड अरब सागर, कुछ इस तरीके से यहां पे आपके आ जाती है बे ऑफ बंगाल और यहां पे आता है अरेबियन सी। तो ये जो आपका आता है प्रायद्वीपीय पठार, जिसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ यानी कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के आसपास समुद्री रेखा से जिस मैदान का बना है, समुद्री रेखा से यहां से पे जो रिवर्स फ्लो करती है वो जिस तरीके का उन्होंने यहाँ पे जो एक प्लेन्स का निर्माण किया है वही आपका क्या कहलाता है, कोस्टल प्लेन कहलाता है। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है, इसकी स्टार्टिंग हो जाती है आपकी अरब सागर से, मतलब कि गुजरात से इसकी शुरुआत होती है और एंड कहाँ तक जाता है इसका, बंगाल की खाड़ी तक जाता है, और इसकी जो कोस्टल लाइन है वो काफी लंबी है, ओके। तो चलिए थोड़ी सी हम इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले जहां पे बात की जाती है, ये देखिए कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया, तो इंडिया हैज ए कोस्ट लाइन ऑफ 7,516.6 किलोमीटर, जब जिसमें आपके 6,100 तो मेन लैंड से आता है और 1,197 आइलैंड से आता है, क्योंकि हमेशा दो तरीके की हमारा लाइंस का मेजरमेंट किया जाता है, एक आती है आपकी मेन लैंड से यानी कि हमारा महाद्वीपीय हिस्सा और आइलैंड्स यानी कि हमारे द्वीप समूह। तो हमने पढ़ा था हमारे इंडिया के दोनों तरफ, एक तरफ है लक्षद्वीप एक है अंडमान निकोबार, वहां पे हमें लाइन देखने को वहां पे हमें द्वीप समूह देखने को मिलते हैं, तो अगर हम उनको भी काउंट करते हैं तो टोटल
7516 होता है, जिसमें 6000 तो है आपके मेनलैंड से और 1100 एंड समथिंग है आपके आइलैंड से। ठीक है, ये लगभग लगभग 13 स्टेट को टच करती है और यूनियन टेरिटरीज को, मतलब कि यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को मिला करके 13 जगह को ये टच करने का काम करती है। देखिए, द स्ट्रेट एंड रेगुलर कोस्टलाइन ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग द गोंडवाना लैंड ड्यूरिंग द क्रिटेशियस पीरियड। ठीक है, हमें जो यहाँ पे लाइन देखने को मिलती है, जो स्ट्रेट कोस्ट लाइन है हमारे पेनिनसुलर इंडिया की, किसका रिजल्ट माना जाता है कि जब गोंडवाना लैंड का क्रिटेशियस एरा के अंदर जब गोंडवाना लैंड के अंदर फॉल्टिंग हो रही थी, मतलब कि भ्रंश जब उत्पन्न हुआ था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जब चल रहा था, तो उस वक्त इनका निर्माण यहाँ पे हुआ था। देखिए, एज सच द कोस्ट ऑफ द इंडिया डज नॉट ऑफर मेनी साइट फॉर गुड नेचुरल हर्बर्ट्स, द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी केम इनटू बीइंग ड्यूरिंग द क्रिटेशियस अर्ली टेरिटरी पीरियड टर्शियरी पीरियड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ गोंडवाना लैंड। चलिए, बिल्कुल मैं हिंदी में डिस्क्राइब करूंगी, कोई भी सोचने जैसी बात नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है आपको, भारत की कोस्ट लाइन को लेकर के दो तीन बातें जो हमें याद रखनी है वो यही है। ये देखिए, यहाँ पे हमारे इंडिया का ये हिस्सा कौन सा कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। प्रायद्वीपीय भारत में आपको पठार भी देखने को मिलेगा और आपको पर्वत भी देखने को मिलेंगे। पर्वतों के बारे में हम पढ़ चुके, पठार के बारे में हम पढ़ चुके। यहां से देखिए, यहां से आपके शुरू हो जाता है अरेबियन सी, कहां तक जाता है? बंगाल तक, आपका बंगाल की खाड़ी जाती है। तो ये बोला जाता है कि हमारा जो कॉन्टिनेंट, ये जो पार्ट है, अगर हम पूरी तट रेखा की बात करें तो ये लगभग लगभग 7100 किलोमीटर के अराउंड होती है, सॉरी लगभग लगभग 7000 किलोमीटर होती है, जिसमें से 6000 किलोमीटर का हिस्सा तो आता है मेनलैंड से और 1192 किलोमीटर का हिस्सा आता है आपकी कोस्टल लाइन से। ऐसे करके गुजरात से लेके बंगाल तक, इसको बीच में, इसमें स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी मिला करके, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों का मिला करके, यहाँ पे लगभग लगभग 13 जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को ये टच करती है। सिर्फ इतनी सी बात है। और ये माना जाता है कि जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा होगा कि महाद्वीपों का बहाव हो रहा था, तो उसी दौरान जो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड में फॉल्टिंग होने की वजह से हमारे यहाँ पे इस तरीके की लैंडशेप हमें देखने को मिलती है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो ये देखिए, ये जो हिस्सा है दोस्तों, एक है आपके अरब सागर में, एक है आपके बंगाल की खाड़ी में। तो अब बिल्कुल बेसिक चीज ये याद रख लेना, कोस्ट लाइन की अगर मैं बात करूं, कोस्ट लाइन मतलब कि हमारी तट रेखा, तट रेखा पर आपके कैसे बन रहे हैं, हमारी तट रेखा कैसी, किस तरीके की है। कुछ इस तरीके से, चलो एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये जो लाइन आपको यहाँ पे दिखने को मिल रही है ना, ये वाला एरिया, ये आपके आता है तटवर्ती हिस्सा, इस तरीके का यहाँ पे। तो इसमें से एक चीज का ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग रिवर्स का फ्लो होता है, तो ये माना जाता है कि इस मैदान के अंदर नदियां भी, और क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे समुद्र है, समुद्र के पास ये मैदान होने की वजह से, समुद्र से जितनी भी जो लहरें आती है, लहरों की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, रेगुलर बेसिस पे इरोजन हुआ है, अपरदन हुआ है यहाँ पे। ओके, तो और अपरदन की वजह से ही यहाँ पे एक जो भी अपरदन के कारण से, जिस भी तरीके के जो निक्षेपण यहाँ पे हुए हैं, अपरदन हुआ है, निक्षेपण हुआ है, प्लेटों से जो रिवर्स आई है उन्होंने अपने साथ में लाए हुए सेडिमेंट्स को यहाँ पे जमा किया है, तो इससे यहाँ पर एक प्लेन बनता है, उस प्लेन को बोला जाता है आपका तटीय मैदान, मतलब की कोस्टल प्लेन उसको बोला जाता है, तटीय मैदान की वो कैटेगरी के अंदर आता है। फैलाव कहां से कहां तक है, मैंने आपको बताया अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक ये फैला हुआ है। अरब सागर आता है इसके पश्चिम में, बंगाल की खाड़ी आती है इसके उत्तर में। इसी के साथ साथ दोस्तों, ये फैला हुआ है बहुत ही, इसका फॉर्मेशन माना जाता है गोंडवाना लैंड के टाइम पे इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, बिल्कुल सभी बताऊंगी राकेश जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें बात इतनी सी ये करनी है कि आखिर इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ये देखिए कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, इंडिया के जो कोस्टल प्लेन होते हैं दोस्तों, उसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक आता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पश्चिमी तट, ओके, और एक आता है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का पूर्वी तट। लिख लीजिए अपनी कॉपी में आप लोग, भारत का पूर्वी तट। अभी कहां पे बन रहा है, सोचने जैसी बात कुछ नहीं है, एक मिनट,
ये देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप पे ये जो हिस्सा है, क्योंकि ये वेस्टर्न पार्ट है और ये इसका ईस्टर्न हिस्सा है, तो वेस्टर्न पार्ट पे जो तट बनेगा उसको हम बोलेंगे हमारा वेस्टर्न कोस्ट, मतलब कि पश्चिमी तट, और जो ईस्टर्न पार्ट पे जो हिस्सा बनेगा उसको हम बोलेंगे पूर्वी तट। तो ये दो तट आपको देखने को मिलेंगे भारत में, एक होगा पश्चिमी तट, एक कहलाएगा पूर्वी तट। बस इतनी सी बात है, ध्यान में रख लेना। बिल्कुल मैं करवाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब करवा दूंगी मैं, आप सिर्फ रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे नंबर वन नंबर पे जो हमारी कोस्ट लाइन आने वाली है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का पूर्वी तट। लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए नंबर वन पे, भारत का पूर्वी तट। बेसिक डेफिनेशन, बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी है, अब हम बात करेंगे भारत के पूर्वी तट की। अब पूर्वी तट को लेकर के दोस्तों एक चीज याद रखना, पूर्वी मैदान जो होता है वो आपके बंगाल की खाड़ी के आसपास में लगा होता है। यहाँ पे आपको मेनली गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनका डेल्टा आपको इस कोस्ट में देखने को मिलेगा। अलग अलग टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। जब हम इनके माउंटेन के नाम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है वो थोड़ा सा कैसा है, स्ट्रेट है। लेकिन अगर ऑपोजिटली अगर यहाँ पे बात करें हमारे वेस्टर्न कोस्ट की, तो वेस्टर्न कोस्ट पूरी तरह से थोड़ा सा कटा फटा है बीच बीच में से। जहां पे हमारा वेस्टर्न कोस्ट सीधा है, सॉरी मैंने थोड़ा अलग उल्टा बोल दिया, वेस्टर्न कोस्ट बिल्कुल सीधा है और ये आपके स्क्रैप से मिलके बनता है, ये बीच बीच में से कई जगह से कटा हुआ है ये, ठीक है। अब देखिए पूर्वी तटीय मैदान की जहां बात आती है, ये आपके बंगाल की खाड़ी के आसपास हमें देखने को मिलता है। इसकी थोड़ी सी बातचीत है हम यहाँ पे देख लें। लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में हमें देखने को मिलता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी, यहां से गंगा नदी अपना डेल्टा कहाँ बनाती है, वेस्ट बंगाल में, तो गंगा से लेकर के कन्याकुमारी मतलब कि तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है। इट इज मार्क्ड बाय डेल्टा ऑफ रिवर लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो एग्जाम में अगर सवाल आ जाए कि कौन सा घाट कौन सा डेल्टा बनाता है, तो ईस्टर्न कोस्ट के अंदर आपको मेनली जो रिवर्स देखने को मिलेगी वो आपकी गंगा भी हम बोल सकते हैं, बाकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे झीलें भी देखने को मिलेगी, जैसे कि चिलिका लेक उड़ीसा के अंदर और पुलिकट लेक जो कि एक लैगून झील है, जो यहाँ की एक इंपॉर्टेंट फीचर्स के अंदर हम उनको काउंट करते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी झीलें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ये देखिए याद रखिएगा, यहां पे देखिए इस जगह पे अलग अलग डेल्टे मिलेंगे, यहां से आपके फ्लो करती हुई आती है महानदी उड़ीसा में, ठीक है, एक तरफ से आ जाती है गोदावरी, गोदावरी के जस्ट नीचे आती है कृष्णा और कृष्णा से जस्ट यहां से आती है कावेरी। तो चार रिवर्स के नाम याद रख लेने हैं हमारे पूर्वी तट में, पूर्वी तट, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। समझ में आ रहा है दोस्तों, शेयर करते चलिएगा अगर समझ में आ रहा है तो, लाइक करते चलिएगा, वेरी गुड। हाँ जी, तो ये है आपकी कहाँ की रिवर, मेनली वेस्टर्न कोस्ट की, कहां से कहां तक पाया जाता है, पूर्वी तट से लेकर के आपके बंगाल की खाड़ी तक। ओके, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर यहाँ से फ्लो करती है। अब इसको भी अलग अलग रीजन में डिवाइड किया गया है। हमने शुरू से देखा है, हमने हिमालय को डिवाइड किया था, हमने प्रायद्वीपीय पठार को डिवाइड किया, हमने प्लेन्स को डिवाइड किया, आइलैंड्स तक को डिवाइड किया, तो अब हम इनको कैसे छोड़ सकते हैं, प्लेट्स को डिवाइड कर दिया, प्लेटों को डिवाइड कर दिया, माउंटेन को डिवाइड कर दिया। तो ऐसे ही आपकी जो पूर्वी जो तट है दोस्तों उसको भी डिवाइड किया जाता है। कैसे याद रखेंगे इसके डिवाइडेशन को, तो ये देखिए दोस्तों जो पूर्वी तट का डिवाइडेशन है, ये देखिए आपके पूर्वी तट में हमने ये देखा कि महानदी जो थी वो उड़ीसा से होकर के फ्लो कर रही थी, तो पूर्वी तट को जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है उड़ीसा के अंदर, इसको उत्कल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। लिख लीजिए उत्कल कोस्ट बराबर उड़ीसा, तो एग्जाम में आपसे सीधा पूछ सकते हैं ये सवाल कि ईस्टर्न कोस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा उत्कल कोस्ट, उत्कल तट। फ्रॉम द साउथर्न लिमिट ऑफ द उत्कल प्लेन स्ट्रेच द आंध्रा कोस्ट, इन द साउथ ऑफ द आंध्रा प्लेन इट इज द तमिलनाडु कोस्ट, एंड द तमिलनाडु कोस्ट एंड पार्ट ऑफ आंध्रा कोस्ट टूगेदर आर नोन एज कोरोमंडल कोस्ट ओवर पयन घाट, ठीक है, इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। तो याद रखना
हमने यहाँ पे इसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में उत्कल कोस्ट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब उत्कल कोस्ट के दक्षिण से लेकर के आपके आंध्र प्रदेश तक ये कहलाता है आंध्र कोस्ट, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के प्लेन से ये स्टार्ट हो जाता है तमिलनाडु कोस्ट के नाम से, और तमिलनाडु और आंध्र दोनों मिलकर के एक नया बनाते हैं जिसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दिख रहा है आपको बिल्कुल अच्छे से, क्लियरली कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, तो ये देखिए अब आप पूछेंगे मैम कैसे बन रहा है यहाँ पे। चलिए फिर से एक बार मैप बनाइए। मेरा इरादा है आपका जो रजिस्टर जो भी आप यूज कर रहे हैं ना उसको मैं एकदम भरवा के छोड़ूंगी, तो जल्दी से जितनी हैबिट मैप बनाने की डाल लोगे उतना अच्छा होगा। ये तो कुछ और ही हो गया, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए अलग अलग नाम हमने इसको दे दिए थे। कॉमनली मान के चलिए कि ये है उड़ीसा, ठीक है, यहाँ पे आपके आ जाता है आंध्र प्रदेश और यहाँ पे आ जाता है तमिलनाडु। तो क्योंकि उड़ीसा में इसको किस नाम से जाना गया था, लिख लीजिएगा उत्कल, उत्कल तट, उत्कल कोस्ट, ओके। आंध्र प्रदेश के अंदर किस नाम से जाना गया था इसको, जल्दी से बताइए। हाँ जी, उत्तरी सरकार इसको बोलते हैं। कॉमनली इसको दो तरीके से जाना जाता है, उत्तरी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देखिए उड़ीसा के अंदर उत्कल कोस्ट कहलाता है। इसके जो ऊपरी भाग है यानी कि मान के चलिए कि इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो इसी को हम उत्तरी सरकार के नाम से भी जानते हैं, उत्तरी सरकार तट के नाम से भी इसको जाना जाता है, और नीचे वाले पार्ट को कोरोमंडल तट बोला जाता है। और अगर मैं इसके मिडिल पार्ट की बात करूं तो इसको गोलकुंडा कोस्ट के नाम से भी जानते हैं, गोलकुंडा तट। तो ऐसे करके आपको तटों के नाम याद रख लेने हैं, ठीक है। विक्रम जी मैं आपकी बात समझ गई हूं, ये बिल्कुल डिफरेंस होता है। विक्रम जी मैं समझ चुकी हूँ, आप एक एक बात को बार बार रिपीट करेंगे तो वो थोड़ा सही नहीं है। बाकी मैं आपको समझा दूंगी, मैं आपको बता दूंगी, बट ये बीच क्लास में आप एक एक मैसेज को इतना रिपीट कर रहे हैं वो थोड़ा गलत है, ठीक है। हाँ जी याद रखिएगा उड़ीसा के अंदर ये कहलाता है उत्कल तट, आंध्र प्रदेश और उत्कल के साउथ से लेकर के आंध्र प्रदेश तक ये आपके गोलकुंडा के नाम से जाना जाता है, और आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु दोनों को मिला करके ये कोरोमंडल तट के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। कंपैरिजन हमेशा याद रखना, आपका जो वेस्टर्न कोर्ट है उसके कंपैरिजन में ईस्टर्न कोर्ट थोड़ा सा चौड़ा है। इसकी अगर मैं एवरेज चौड़ाई की बात करूं तो ये 160 दोस्तों 160 to 350 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है, जबकि आपके वेस्टर्न कोर्ट्स की जो चौड़ाई है वो 80 किलोमीटर है एवरेज। तो ये जस्ट उससे 3 times 4 times बिगर है, ओके। अब आपको ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि उड़ीसा के अंदर इज नोन एट उत्कल कोस्ट, फ्रॉम द साउथर्न लिमिट ऑफ द उत्कल प्लेन स्ट्रेच द आंध्र कोस्ट, इन द साउथ ऑफ द आंध्र प्रदेश इज द तमिलनाडु कोस्ट, एंड द तमिलनाडु कोस्ट एंड पार्ट ऑफ आंध्र कोस्ट टुगेदरली नोन एज कोरोमंडल। इसी पार्ट में आपको रिवर्स भी देखने को मिलेगी, कौन कौन सी, एक तो चिलिका लेक देखने को मिलेगी और एक आपको पुलिकट लेक देखने को मिलेगी, ये इसके रीजन है। तो अब तक हमने वेस्टर्न कोस्ट को जाना कहां से कहां तक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अलग अलग जगह इसको अलग अलग किन किन नामों से इन्हें जाना जाता है। यहां तक का सभी को समझ में आ गया हो तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी को क्लियर है? तो देखिए दोस्तों, क्योंकि हमने इसको अभी तक डिवाइड हम लोग कर चुके हैं तो अब हम एक बार थोड़ा सा अब हम बात कर लेते हैं हमारे वेस्टर्न कोर्ट्स की। हालांकि इनके बारे में डिटेल में हम देखेंगे बट एक बार हम सिर्फ डिवाइडेशन कर रहे हैं। तो पूर्वी तट का डिवाइडेशन हमने कर लिया, अब हम बात करेंगे हमारे पश्चिम तट की। पश्चिमी तट पे सभी लोग आ जाइए। ओके, तो ये देखिए आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। द वेस्ट कोस्ट स्ट्रिप एक्सटेंड फ्रॉम द गल्फ ऑफ कॉम्बे, यानी कि खंबात की खाड़ी से ये शुरू होता है और केप कॉमोरिन कन्याकुमारी तक ही जाता है।
दोनों की ही शुरुआत सेम जगह से हुई है. स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट डिवाइडेड इनटू द कोंकण कोस्ट, द कर्नाटका कोस्ट एंड द केरला कोस्ट. ठीक है. इट इज मेड अप ऑफ अलूवियल ब्रॉड बाय द सम शॉर्ट स्ट्रीम ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट. ये सारी चीजें हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. अलग अलग तरीके की यहाँ पे कौन कौन सी रिवर है, इन सभी के बारे में हम जान चुके हैं. तो चलिए एक बार हम इसके डिवाइडेशन को देख लेते हैं कि हमने इसको कितने कितने पार्ट्स में इसका डिवाइडेशन हमने यहाँ पे किया है. तो वेस्टर्न कोस्ट की जहां तक बात आ जाती है, ये आपका है अरब सागर वाला हिस्सा. ये आपका कौन सा हिस्सा आ जाता है? अरब सागर का हिस्सा आ जाता है. शुरुआत कहां से हो रही है इसकी? हम इतना बोल सकते हैं कि अलग अलग रिवर यहां से फ्लो करती है. तो जिले स्टेट वाइज अगर मैं बात करूं, गुजरात से इसकी स्टार्टिंग होती है और कहां तक जाती है, ये कन्याकुमारी मतलब कि तमिलनाडु तक इसकी शुरुआत जाती है. इसको भी हम तीन चार पार्ट में डिवाइड करते हैं. कौन कौन से है हो गए इसके पार्ट? पहला आ जाता है दोस्तों आपका गुजरात का मैदान, लिख लीजिएगा. पहला कहलाएगा हमारा गुजरात का मैदान. ठीक है. दूसरा हमारा कहलाएगा आपका कोंकण. दूसरा कहलाएगा हमारा कोंकण तट. चौथा कहलाएगा हमारा कर्नाटक या कन्नड़ तट. कन्नड़ तट बोल दीजिए या कर्नाटक बोल दीजिए, बात एक ही है. कर्नाटक या कन्नड़ तट. और फिर आएगा आपका मालाबार तट. ठीक है. हाँ जी. कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? गुजरात, कोंकण, कर्नाटक और कन्नड़. तो गुजरात कहां से कहां तक शुरू हो जाता है? एक मिनट, इसको थोड़ा इरेज करने दो, वापस से लिखने दो. एक मिनट. एक मैं थोड़ी सी एक बार मैं बना लूं मैं अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ये देखिए दोस्तों इंडिया का मैप. इंडिया के मैप पे डिवाइडेशन की जहां तक बात आती है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? इसकी स्टार्टिंग मैंने आपको बताई थी कि गुजरात से ये शुरू होता है, लिखते चलिएगा. गुजरात से इसकी स्टार्टिंग हुई है. कहां तक गया है ये? कन्याकुमारी तक ये गया है. और यहीं तक आपके क्या आ रहा था? वो भी आ रहा था आपके, यानी कि पूर्वी घाट भी आपका यहीं से आ रहा था. हमने इसका जो डिवाइडेशन किया है, तीन चार पार्ट्स में हमने इसका डिवाइडेशन किया है. पहला आया है आपका गुजरात का मैदान. ओके. सेकेंड नंबर पर आया है आपका कोंकण तट. थर्ड नंबर पर आया है आपका कर्नाटक या कन्नड़ तट. और फोर्थ नंबर पर आपके आता है दोस्तों लास्ट में मालाबार तट. चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि गुजरात तट की शुरुआत कहां से होती है, क्योंकि गुजरात तट नंबर वन पे है. तो गुजरात तट की शुरुआत कहां से होगी? ठीक है. ज्यादा पेज खराब नहीं, अरे मेरे पेज ऐसे हैं, मैं चाहूं तो खराब कर दूं, या ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पेजों का कोई लोड नहीं है. मैप बना लिया होगा सभी ने, सही से मैप तो बन रहा है ना, या कोई दिक्कत आ रही है? मैप बनाने में कंजूसी मत करना बस. चलिए तो यहां से याद रखना दोस्तों, इसकी जो स्टार्टिंग होती है ना आपके नंबर वन में, जो हमने डिवाइडेशन किया था वो हमने किया था गुजरात तट का. तो ये आपके कहां तक जाता है दोस्तों? ये जाता है आपके गुजरात के कच्छ से, यहां से कच्छ से, कच्छ रण से इसकी शुरुआत होती है. और ये आपके जाता है दोस्तों काठियावाड़ तक, गुजरात के काठियावाड़ तक ये जाता है. काठियावाड़ का नाम याद रखना, कच्छ के रण से काठियावाड़ तक का जो तट कहलाता है वो गुजरात तट के नाम से या गुजरात का मैदान के नाम से जाना जाता है.
सेकेंड नंबर पर हमारा आता है कोंकण तट। तो कोंकण तट की जो स्टार्टिंग होती है दोस्तों, वो होती है आपकी दमन से लेकर के, ये है जगह दमन, दमन से इसकी स्टार्टिंग हो रही है और दमन से लेकर के ये जाता है गोवा तक। दमन से ये शुरू हुआ, दमन से गोवा तक ये गया, ये आपका कहलाएगा कोंकण तट। चलिए थर्ड नंबर पे आता है आपका कर्नाटका तट। तो ये गोवा से लेकर के आपके मैंगलोर तक जाता है, यहां पे मैंगलोर। ये आपका कहलाएगा कर्नाटक, या बोले तो कन्नड़ तट। ओके, अब जो एंड में बची मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक का जो तट था ये आपका कहलाएगा मालाबार तट। जगह बिल्कुल याद रख लेनी है, कहां से है, कितना है, पूरा अच्छे से याद रख लेना है आपको, ठीक है। एक बार अच्छा बन जाता है, एक बार बुरा बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बन रहा है ना, बस इतना ध्यान में रखना है कि हमें बनाना है और कुछ भी नहीं है। चलिए तो ये आपको यहाँ पता चल गया, यहाँ पे कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, गुजरात का मैदान, कोंकण तट, कर्नाटक और मालाबार तट, ठीक है। सो नंबर वन पे तो बन गया हमारा कोंकण, नंबर वन पे बन गया हमारा गुजरात तट, नंबर टू पे बन गया कोंकण तट, नंबर थ्री पे आ गया हमारा कर्नाटक तट और नंबर फोर पे आ गया हमारा मालाबार तट। चलिए यहाँ तक का हिसाब किताब क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इसके बारे में क्या कुछ खबर आती है हमारे। तो अब इसका भी अलग अलग नाम है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो नाम इसके कौन कौन से हैं दोस्तों। यहाँ पे इसको मेनली, वैसे तो देखिए हम पढ़ने में पढ़ते हैं बट मेनली जो इसको डिफाइन किया गया है वो दो नाम से किया गया है, कोंकण तो कोस्ट, मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ का शामिल होता है इसमें, महाराष्ट्र और गोवा का, ठीक है। फिर आता है मालाबार कोस्ट, इसमें केरला कर्नाटका का हिस्सा इसमें हम शामिल करते हैं। तो कोंकण कोस्ट को देखें हम यहाँ पे, ये देखिए कोंकण तट आपके कहां से आ जाएगा, कौन कौन से हिस्से को कवर करेगा, यहाँ पे साफ लिखा है दोस्तों, ये आपका हिस्सा कवर करेगा महाराष्ट्र, ठीक है, और गोवा। क्या बन गया, कोंकण। सेकेंड नंबर पे मालाबार किस किस को कवर करेगा, यहाँ पे केरला, सॉरी नीचे है केरला और ऊपर आता है आपका कर्नाटक, ये है केरला और ये है कर्नाटक, क्या बनवाएंगे मिलकर के आपका मालाबार तट। चलिए जी यहां तक का क्लियर हुआ सभी को। जी नहीं विक्रम जी, ओके, तो ये हो गया आपके रिलीजन रीजनल नेम कोस्टल के, दोनों ही कोस्टल के रीजनल नेम हमें यहाँ पे दिख चुके हैं। अब चलिए चर्चा कर लेते हैं आगे की कोस्ट लाइन हमारी कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पे देखिए सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम कोस्ट लाइन और शोर लाइन में क्या अंतर होता है, यानी कि तट रेखा और हमारी जो उभरती हुई रेखाएं जो होती है कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पे दो तरीके की होती है दोस्तों, एक होती है आपकी एमर्ज और दूसरी होती है आपकी सबमर्ज। नाम आपने सुना होगा, एक होती है उमज्जित, एक हो जाती है आपकी निमज्जित। कोस्टलाइन दो तरह की होती है, एमर्ज और सबमर्ज। जो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ पे हमारी एमर्ज सबलाइन की। आपने सुना होगा हमारे अर्थ पे दोस्तों दो तरीके के फोर्स लगते हैं, याद रखना। हमारे यहाँ पे अगर हम अर्थ के फोर्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरीके के फोर्स होते हैं। एक आता है दोस्तों आपका एंडोजेनिक फोर्स, एंडोजेनेटिक फोर्स, और दूसरा होता है आपका एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी कि एक कहलाएगा आपका आंतरिक बल और एक कहलाएगा बाह्य बल, ठीक है, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, आंतरिक बल और बाह्य बल। तो हमारी जो फोर्सेस होते हैं दोस्तों, एंडोजेनेटिक फोर्सेस को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक होते हैं हमारे स्लो फोर्सेस, एक होते हैं हमारे फास्ट फोर्सेस, मतलब कि हमारी अर्थ के नीचे से निकलने वाले फोर्सेस। तो अगर मैं बात करूं स्लो फास्ट फोर्सेस की, तो दोस्तों फास्ट फोर्सेस हमारे मेनली दो तरीके, तीन चार तरीके के होते हैं, जैसे कि आपके हो गया वॉल्केनो, मतलब कि ज्वालामुखी। ज्वालामुखी एक सडन एक्टिविटी है, हमें पता चल जाता है, टाइम हमारे पास में नोट रहता है। एक आता है अर्थक्वेक, मतलब कि भूकंप, मेन तो यही है।
ठीक है, इसी के साथ साथ आप एवलेंचेस को भी शामिल कर सकते हैं, लैंडस्लाइड को भी शामिल कर सकते हैं। अब बात आ जाती है हमारी अर्थ पर से नीचे से लगने वाले स्लो फोर्सेस की। स्लो फोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, ये भी दो तरीके के होते हैं दोस्तों। एक होते हैं आपके डियास्ट्रोपिक फोर्सेस, मतलब कि पटल विरूपणी बल। ओके, उसके अंदर पटल विरूपणी जो हमारे बल होते हैं उसको हम दो तरीकों से डिफाइन कर देते हैं। एक होता है आपका हॉरिजेंटल, एक होता है वर्टिकल। ठीक है, तो हॉरिजेंटल जो होता है वर्टिकल, हॉरिजेंटल हो गया एक हो गया आपका वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल में तो बनते हैं आपके कॉन्टिनेंट्स और वर्टिकल में बनते हैं माउंटेन। कॉन्टिनेंट्स में हमेशा दो तरीके के फोर्स लगते हैं, एक हो जाता है उसका एक फोर्स लगता है अपवर्ड, एक फोर्स लगता है डाउनवर्ड। मतलब कि एक हो जाता है उमज्जन, एक का कहलाता है निमज्जन। ये मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएगा, ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। आपका पूरा एग्जाम में ये टॉपिक है फोर्सेस ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमारी अर्थ पे जो एंडोजेनिक फोर्स लगता है उसमें जो स्लो फोर्सेस होते हैं उसमें जो कॉन्टिनेंट्स का जो फोर्स होता है उसमें दो तरीके का होता है, उमज्जन और निमज्जन। अब हम उमज्जन और निमज्जन कैसे बोलेंगे, एग्जाम्पल देखिए। ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है कि हमारे इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, पश्चिमी तट जो है हमारे इंडिया का, उसका क्या हो रहा है, पश्चिमी घाट का निमज्जन हो रहा है। मतलब कि धीरे धीरे पानी में जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो फिर इसको लेकर के पूछा गया कि इसके क्या एग्जाम्पल क्या है। तो दोस्तों एग्जाम्पल इसका ये माना जाता है कि आप मान के चलिए कि आज के लगभग 5000 ईयर्स पहले, 5 साल पहले आप सभी ने भगवान कृष्ण का नाम सुना होगा। ठीक है, भगवान कृष्ण का नाम सुना हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, मथुरा में हुआ था, गोकुल में रहे थे। लेकिन वो बाद में कहाँ आ जाता है दोस्तों, गुजरात की एक जगह है द्वारिका, द्वारिका के अंदर भगवान आके रहने लगता है ना। वहां पर उन्होंने अपना महल वगैरह सब बनाया। पर आज की तारीख में अगर कोई द्वारिका जाता है तो ये सुनने में आता है कि द्वारिका पानी में डूब चुकी है। कहता है ना, द्वारिका पानी में डूब चुकी है। तो अब मुझे एक चीज बताइए कि ऐसा क्या था कि आज के 5000 साल पहले तो सब कुछ सही था, लेकिन अभी हम देखते हैं तो पूरा का पूरा महल, पूरी की पूरी नगरी ही पानी में डूब गई। इसका मतलब ये है, क्योंकि द्वारिका हमारे गुजरात में आता है और गुजरात इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, इसका मतलब ये है कि हमारा जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट का क्या हो रहा है दोस्तों, धीरे धीरे निमज्जन हो रहा है। मतलब कि उसका डाउनवर्ड चल रहा है, वेस्टर्न कोस्ट का स्लोप ऐसा बन रहा है जिस वजह से वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। हां जी, चलिए तो देखिए, तो क्योंकि उसका भी धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो पश्चिमी तट है, यानी कि जो हमारा पश्चिमी मैदान है, इसको लेकर के ये बोलना कि यहाँ पे एक निमज्जन लग रहा है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आपके काठियावाड़ हो गया और जितने भी तट आते हैं उनको लेकर के हमेशा दो तरह की आपको सुनने को मिलता होगा कि शोर लाइन, अलग अलग तरीके की शोर लाइन होती है, इमर्जन और सबमर्जन। तो अब उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी लाइन होती है। तो ये देखिए, कोस्ट लाइन ऑफ इमर्जेंस एंड सबमर्जेंस। अब कौन सी क्या है, थोड़ी सी डिटेल में चलने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो मुझे लगता है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार जल्दी से आप इसका ले लीजिए। हमारी अर्थ के इंटरनल पार्ट में लगने वाले फोर्सेस की वजह से उमज्जन होता है और निमज्जन होता है। मैंने आपको बताया ना, बलों की वजह से ये हो रहा है। इतना जो मैंने आपको डिटेल में समझाया वो यही था कि अलग अलग तरीके के बल यहाँ पे लग रहे हैं और जिनकी वजह से ये काम चल रहा है। सो ये देखो, हाँ जी देखिए, कोस्ट लाइन मतलब कि तट रेखा ऑफ इमर्जेंस इज फॉर्मेड आइदर बाय एन अपलिफ्ट ऑफ लैंड और बाय द लोअरिंग ऑफ द सी लेवल। कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस इज एन एक्सट्रैक्ट अपोजिट केस। आपके जो इमर्जन लाइन होती है वो कब बनती है, जब कोई लैंड का क्या होता है, अपलिफ्टमेंट होता है, उभार होता है उसका। ठीक है, या फिर वो अपने सी लेवल से क्या चली जाती है, थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। लेकिन जो उसकी सबमर्ज लाइन होती है वो बिल्कुल उसके अपोजिट होती है। जैसे कि देख लीजिए, ब्रास, स्प्रिट्स, लैगून, साल्ट मार्शेस, बीचेस, सी क्लिफ्स एंड आर्चेस आर द टिपिकल फीचर्स ऑफ इमर्जन। यानी कि आपके मरीन के अंदर जो लैगून लेक्स बनती है, साल्ट मार्शेस मतलब कि जो नमक के दलदल बनते हैं, बीच जिसको हम बोल सकते हैं, वो किसके एग्जांपल है दोस्तों, वो एक इमर्जेंस लैंडफॉर्म के एग्जांपल है। और वो कब बनती है, आपके किसी भी लैंड के ऊपर उठने की वजह से या नीचे उठने की वजह से ही बनती है।
अब देखिए द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया स्पेशली इट्स साउथ ईस्टर्न पार्ट, मतलब कि तमिलनाडु का तट जो होता है दोस्तों वो एक तरीके का क्या है, एमर्जेंस तट है। याद रखना दोस्तों एमर्जेंस और सबमर्जेंस। आपकी एग्जाम में एक बार सवाल आया था कि गुजरात का जो काठियावाड़ तट है वो किसका एग्जाम्पल है, और ये शायद मैंने आपसे पूछा भी है, गुजरात के काठियावाड़ तट के बारे में पूछा गया था। तो अब आपको याद रखना है कि कौन सा आएगा, सबमर्जन होगा या एमर्जन होगा। देखिए आप बिल्कुल इसको हिंदी में लिख सकते हैं। यहाँ पे ये बात आ जाती है कि भारत का जो पश्चिमी तट है एक तरफ पर वो दोनों ही तरीके की स्थलाकृति के साथ में है, मतलब कि वहां पर आपको सबमर्जेंट और एमर्जेंट, उमज्जित और निमज्जित दोनों ही तरीके की स्थलाकृति देखने को मिलेगी वेस्टर्न कोर्ट्स में, ईस्टर्न कोर्ट्स में नहीं वेस्टर्न कोर्ट्स में। अब देखिए द नॉर्थन पोर्शन ऑफ कोस्ट इज सबमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग एंड द साउथर्न पोर्शन दैट इज द केरला कोस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एमर्जेंट कोस्ट। ये तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। अब देखिए जो कोरोमंडल तट है वो एक एमर्ज का एग्जाम्पल है, मालाबार तट मतलब कि केरला की जो जगह है वो भी एमर्जन का एग्जाम्पल है, लेकिन जो हमारे महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है दोस्तों वो आपके सबमर्ज का एग्जाम्पल है, यानी कि वो एक सबमर्ज तरीके की लैंडफॉर्म वहां पे हमें देखने को मिलती है। चलिए तो एक बार इसका सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को इजी रहे, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, गुजरात के काठियावाड़ के लिए पूछ लिया गया था। अब यहाँ पे देखिए कोंकण के बारे में बताया है, मालाबार, कोरोमंडल, केरला कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, सभी के बारे में यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए डिटेल लेकर आई हूँ। ओके सो अब देखिए अब तक की क्लास का अगर मैं आपको एक बार रिविजन करवाऊं, क्योंकि हम आगे भी देखने वाले हैं बट फिर भी एक बार मैं रिविजन करवाऊं, हम पढ़ रहे हैं दोस्तों हमारे कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन्स पढ़ रहे हैं। कोस्टल प्लेन्स के अंदर हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया, इंट्रो देख लिया ना, जैसे कि इसकी एवरेज की इसकी लंबाई कितनी है, इसका मेनलैंड में कितना पार्ट है, आइलैंड्स में इसका कितना पार्ट है, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइडेशन इसका डिवाइड किया गया है। तो अगर मैं इसके डिवाइडेशन की बात करूं, दो तरीके से डिवाइड किया गया है हमारे इस हिस्से को। पहला हिस्सा आपका कहलाता है बे ऑफ बंगाल का, और दूसरा हिस्सा कहलाता है हमारे अरेबियन सी का। ठीक है, दो तीन तरीके की अलग अलग यहाँ पे सबमर्ज और एमर्ज दोनों ही तरीके की लैंडफॉर्म हमें देखने को मिली। अगर ये पूछ लिया जाए कि इनका डिवाइडेशन के आधार पे क्या क्या किया गया है, तो यहाँ पे या नाम आपको याद रखना है। अगर बात करें ईस्टर्न पार्ट की, यानी कि पूर्वी घाट की बात करें, तो इसमें उड़ीसा के अंदर, लिख लीजिए मैं लिख रही हूँ, उड़ीसा के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, उड़ीसा के अंदर ये कहलाता है आपका उत्तरी सरकार तट। उड़ीसा में उत्तरी सरकार, मध्यवर्ती हिस्से में किस नाम से जाना जाता है, ये कहलाता है गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट। ओके, और फिर बोल दिया जाए कि दक्षिणी हिस्से में, मतलब कि तमिलनाडु तक आते आते ये आपका कहलाने लग जाता है कोरोमंडल तट। चलिए ठीक है, अब फिर आपसे वेस्टर्न कोस्ट का एग्जाम्पल पूछ लिया जाए, तो ये याद रखिएगा गुजरात के हिस्से के अंदर ये कहलाएगा गुजरात का मैदान। ठीक है, अगर बात करी जाती है आपके गुजरात का मैदान दमन से लेकर के गोवा तक, दमन से गोवा ये कहलाएगा आपका कोंकण तट। ओके, अब बचा हुआ हिस्सा मैं यहां पे लिख रही हूं, गोवा से लेकर के मेनली केरला तक, मैंगलुरु तक, बेसिकली गोवा से लेकर के मैंगलुरु तक ये कहलाएगा आपका कर्नाटक तट, कर्नाटक और कन्नड़। एंड देन लास्ट में मैंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक, ये आप मैंगलुरु से लेकर के एंड में कन्याकुमारी तक ये कहलाएगा मालाबार तट। तो ये मैं आपको साथ साथ रिवीजन भी कराती जा रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। विक्रम जी आपके जो भी डाउट्स हो, आप देखिए बिल्कुल आपके सवाल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट आप अगर एंड ऑफ द क्लास सवाल पूछेंगे तो ज्यादा होगा। क्वेश्चन कैसे बनते हैं बिल्कुल मैं बताऊंगी, मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, आपको इस चीज का पता होना चाहिए दोस्तों। पता नहीं उतने लोग थे या नहीं थे, बट अभी जो रिसेंटली जो सैटरडे गया है, सैटरडे को मैंने 50 एमसीक्यूज करवाए हैं ज्योग्राफी के, और कौन से करवाए हैं जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मतलब कि हमारा नॉर्थन, हमारी माउंटेन रेंज,
प्लेन्स और पेनिनसुलर इंडिया, इन तीन से मैंने 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे जो मैंने करवाए हैं, तो जिसको भी देखना है वो देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, ओके। तो ये तो रहा हमारी क्लास में अभी तक का रिवीजन। अब थोड़ा सा हम इसके आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब बात आ जाती है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब देखिए, रन ऑफ कच्छ इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ, दीज आर नैरो प्लेन्स विद एन एवरेज विड्थ ऑफ 65 किलोमीटर, 65 टू 80 किलोमीटर तक का इनका विस्तार है। पश्चिम में ये पाए जाते हैं, कहां से कहां तक होते हैं एक बार रिवीजन कर लीजिए। कच्छ के रन से शुरू होते हैं और कन्याकुमारी तक ये चले जाते हैं, ओके। इसके बाद में अगर बात करें कच्छ और काठियावाड़ रीजन की, सबसे पहले चलिए कच्छ और काठियावाड़ रीजन में। तो यहाँ पे देखिए, कच्छ एंड काठियावाड़ थ्रू एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। क्यों है पेनिनसुलर प्लेटू का एक्सटेंशन? क्योंकि जो आपका कच्छ का रीजन है वो डेक्कन के लावा से मिलकर के बना है, ओके। ये आपके किस में आते हैं? वेस्टर्न कोस्टल में ये आते हैं और ये लावा के मैदान माने जाते हैं, ठीक है। ये आपके पूरी तरह से क्या है, द कच्छ पेनिनसुला वाज एन आइलैंड सराउंडेड बाय सीज एंड लैगून, दीज सीज एंड लैगून वर लेटर फिल्ड बाय सेडिमेंट्स ब्रॉट थ्रू द इंडस रिवर व्हिच यूज्ड टू फ्लो थ्रू दिस एरिया। लैक ऑफ रेन इन रीसेंट टाइम हैज टर्न्ड इनटू एरिड एंड सेमी एरिड लैंडस्केप। आप सोचिए यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिली है। ये बोला जाता है कि जो पहले आपका जो कच्छ था, कच्छ का जो मैदान था, वो पहले अपने आप के अंदर एक आइलैंड था। आइलैंड का मतलब क्या है? जिसके चारों तरफ पानी हो, यानी कि वो अलग था पहले से, ठीक है। लेकिन क्यों था ऐसा? लेकिन बाय द टाइम, पहले ऐसे माना जाता है कि इंडस रिवर का फ्लो कुछ इस तरफ हुआ करता था, तो वो जो अपने साथ में सेडिमेंट्स जब लाती गई तो सेडिमेंट्स का जमा वहां पे बढ़ता गया और एक टाइम तक आके ये इंडिया का जो मेन लैंड है उसके साथ में आके ये जुड़ गया। और आज के टाइम में बारिश की कमी होने की वजह से, क्योंकि टाइम जैसे जैसे बीतता गया बारिश की कमी यहाँ होती गई, और उसकी वजह से ये आज की तारीख में एक सेमी एरिड एरिया बन करके रह गया है। यहाँ पर आपको साल्ट मार्शेस बहुत देखने को मिलेंगे, मतलब कि नमक के दलदल बहुत देखने को मिलेगी। कच्छ का रन इसी का एक पार्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक तो ग्रेट रन देखने को मिलेगा और एक लिटिल रन देखने को मिलेगा। जैसे कि जो नॉर्थ हिस्सा है कच्छ के रन का वो ग्रेट रन कहलाता है, और जो साउथ हिस्सा है वो आपका लिटिल रन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके अब देखिए, द काठियावाड़ पेनिनसुला लाइज टू द साउथ ऑफ कच्छ, द सेंट्रल पार्ट हाईलैंड ऑफ महादेव हिल्स, फ्रॉम विच स्मॉल स्ट्रीम रेडिएट इन ऑल डायरेक्शन, माउंट गिरनार इज द हाईएस्ट पॉइंट एंड ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। देखिए दोस्तों, याद रखना, हम अभी वेस्टर्न कोस्ट में सबसे पहले बात कर रहे हैं हमारे कौन से तट की? कच्छ के तट की। कच्छ के तट की हमने बात करी है, पूरा अब तक का हमने पढ़ लिया है। मुझे लगता है शायद काफी लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है, बट कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं कल की क्लास में इसको और रिपीट करा दूंगी, बस आज की क्लास में इतना याद रखना, हमने पहले जाना है तट रेखा क्या है, ईस्टर्न को जाना है, वेस्टर्न को जाना है, इनका डिवाइडेशन हमने आज की क्लास में सीखा है, इनको कितने पार्ट्स में बांटा गया है ये सीखा है, और कुछ बेसिक नॉलेज लिया है। अब इनका जो मैदान है, जो स्पेशली जो हमारी क्लास का आज का टाइटल था, इनका जो मैदान है, मैदान का जो डिवाइडेशन किया गया है वेस्टर्न में भी और ईस्टर्न में भी, उसमें हम वेस्टर्न में नंबर वन पे पढ़ रहे हैं कच्छ, ठीक है। तो अब कल की क्लास में आपके कच्छ के तीनों मैदान और ईस्टर्न घाट के दोनों, इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। आपको आज की क्लास से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो अब आप मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब आप पूछिए कि आपके क्या डाउट हैं। काफी लोग पूछ रहे थे कि मैम यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो आएगा वो कभी भी, आप लोग ये देखें कि आज जो मैम टॉपिक पढ़ा रही है इससे क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ में, मैं मान लीजिए कि मैं 7 दिन में कुछ पढ़ा रही हूँ आपको, तो सातों के सातों दिन जुड़ना पड़ेगा। आज मैंने कोस्टल रीजन पढ़ा है, आपको इंटरेस्टिंग लगा, आप आ गए। कल मैं आइलैंड्स पढ़ाऊंगी, आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा तो आप नहीं आएंगे। लेकिन क्योंकि मैंने 7 दिन में अलग अलग चैप्टर पढ़ाए हैं, तो हो सकता है 7 दिन में पढ़ाए गए चैप्टर से 4 दिन में जो मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं उनसे सवाल आ जाए, ठीक है। अभी जैसे मान के चलिए कि मैंने अब तक पूरा फिजिकल डिवीजन का ये हमारा आखिरी हिस्सा है, ठीक है। तो इस आखिरी हिस्से के अंदर पूरा का पूरे फिजिकल डिवीजन से आपके सवाल बनकर आएंगे, 2 या 3 जो भी आएंगे वो, ओके।
तो आप 2 या 3 या 5 सवाल भी आ सकते हैं फिजिकल डिवीजन से, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आएंगे तो एक साथ आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने आज का चैप्टर पढ़ा और आज ही के चैप्टर से सवाल आ जाएंगे, नहीं। तो अब हम मैं कल की क्लास में आपको बिल्कुल डिटेल के अंदर कच्छ का मैदान पूरा मैं पढ़ा दूंगी आपको, मतलब कि कल मैं सोच रही हूँ हमारा जो फिजिकल डिवीजन है ना इंडिया का, कल की क्लास में दोस्तों आपका फिजिकल डिवीजन इंडिया का कंप्लीट हो जाएगा। और फिर मैं फ्राइडे को आपका एक टेस्ट, नहीं नहीं फ्राइडे को नहीं हो पाएगा, आज का डेट है मंडे है ना, आज मंडे नहीं है ट्यूजडे, हाँ जी कल ही कंप्लीट हो जाएगा, परसों के दिन आपका पूरा अच्छे से टेस्ट होगा। ओके चलिए, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, जो भी आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कल भी हम 2 बजे मैं आप लोगों से मिलने वाली हूँ, और आज रात को 9 बजे मेरी एक और स्पेशल क्लास होने वाली है जिसमें मैं कम्युनिकेशन के MCQs आपसे सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो जो भी अनअकैडमी पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, वो भी मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। और जहां तक बात है मेरे कोर्सेज की, तो मैं बता चुकी हूँ 4 तारीख से मेरे नए कोर्सेज आ रहे हैं, आप लोग मेरी प्रोफाइल को फॉलो भी कर सकते हैं, और जो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं UGC10 कोड की मदद से अपना सब्सक्रिप्शन लेकर के अपने आपको एनरोल करवा सकते हैं मेरे नए कोर्सेज में। 4 तारीख से मेरे 2 कोर्सेज आ रहे हैं, Paper 1 और Paper 2 दोनों के। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, क्लास अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना चैनल से, और मिलती हूँ आज आपको 9 बजे आपसे हमारी कम्युनिकेशन की स्पेशल क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।